हाल है बच्चों, मेरा नाम धीरज आसलानी और आज की जो ये वीडियो है यार, ये पूरी की पूरी बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। मतलब जो मेरा पूरा पूरा हम लोग का सिस्टम खराब लगा पड़ा था, इस पे एक इन लोगों ने नई सी जान डाल दी है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा यार, मतलब पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। देखो इन लोगों ने किया क्या यार, पहले ऐसा कुछ होता था कि बच्चे जो है यार वो रट रट कर पास होते थे, या फिर जैसे मान लो कोई एक 9th 10th 11th 12th का स्टूडेंट है, ठीक है, 9th 10th के बच्चे को जनरली क्या हो गया यार, साइंस में मन लग गया, तो उसने क्या किया 11th 12th में साइंस ले लिया। साइंस में यानी पांच सब्जेक्ट होते थे यार, PCM या PCB ले लो, उसके साथ एक इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या ये सारे सब्जेक्ट ले लिए। इसके बाद होता क्या था यार, वो या तो इंजीनियरिंग में चला जाता था, या फिर अगर मैथ लिया है तो या बायो लिया है तो नीट में चला जाता था, ठीक है, या फिर आर्ट्स वगैरह लिया है तो BA में, और फिर साइंस के और भी ऑप्शन थे BSc वगैरह। तो होता क्या था, उसने मान लो BSc करी या BTech करा किसी एक ब्रांच से, इसके बाद वो क्या कर रहा होता था, कपूरथला से जनरली, ठीक है, मैं लखनऊ से, तो वो कपूरथला से क्या कर रहा होता था यार, तैयारी कर रहा होता था गवर्नमेंट एग्जाम की। तो यहाँ पर जो उसने BSc में या फिर BTech में जितने भी टेक्निकल चीजें सीखे उसका यूज क्या हुआ, तो यहाँ पर सारी चीजों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया यार। अब जो तुम्हारा मन है तुम वही पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो कई सारे सिस्टम्स और भी चेंज किए गए हैं, जैसे देखो DU में क्राइटेरिया चलता है। DU में क्या क्राइटेरिया चलता है, वहां पर परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक है, तुम्हारी एक लिस्ट निकलती है और उस कट ऑफ के बेसिस पर तुम्हारा एडमिशन होता है। जैसे मान लो कोई एक 12th का बच्चा है, उसके 95% आ गए, लेकिन फिर भी उसका DU में नहीं हो रहा अच्छे कॉलेज में। क्यों नहीं हो रहा यार, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, 98 99, ठीक है, इस तरह उसका हो नहीं रहा। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका 75 भी होगा, जिनका 85 भी होगा, लेकिन जब 95 वाले का नहीं हो रहा तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे थोड़े परेशान से होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे सिस्टम जो है वो चेंज कर दिए गए। यानी बोर्ड पे मार्क्स कैसे आ रहे थे यार, रट रट के बच्चे आ रहे थे। यहाँ पर मैं एक वेब सीरीज का डायलॉग लेना चाहूंगा यार, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि किसी का रट रट के IIT में हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता यार कि रट रट के तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि IIT में केवल और केवल रेड जो जाते हैं, चतुर नहीं, और भी कई सारी चीजें की गई है। तो अब तुम्हारा रटने वाला जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। पहला चेंज मैं बात करूं तो पहला जो अपना ईयर चलता था यार, वो चलता था 5 से लेके 14 तक। इन लोगों ने अब क्या कर दिया है, अब चेंज कर दिया है 3 साल से लेके 18 साल तक। मतलब तुम पैदा हुए 0, ठीक है, 0 से 3 साल तक तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहे, इसके बाद तुम क्या हो रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ ग्रो डेवलप कर रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद 3 साल से लेके 18 साल तक ये तुम्हारा क्या करेंगे, हाथ पकड़े रहेंगे जब तक तुम एक अच्छे से फुल फिल पूरे एजुकेशन में डेवलप नहीं हो जाते, ठीक है। इसके बाद अब क्या है यार, पहले जो अपना सिस्टम चलता था वो 10+2 का सिस्टम चलता था, अब इन्होंने उस सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5+3+3+4, ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या डिवाइड किया यार, 5 का मतलब है यहां से जो तुम्हारे प्ले स्कूल, नर्सरी, UKG, LKG, 1-2 आते थे, इसमें क्या होगा यार, तुम्हें इसमें बेसिक सी बातें सिखाई जाएंगी। बेसिक मतलब तुम वर्ड्स को कैश कर सको, अल्फाबेट्स हो गए तुम्हारे, नंबर्स को पहचान सको, यानी तुम चीजों को केवल और केवल पहचान सको, इसमें इतनी चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये था अपना 5 वाला सिस्टम। इसके बाद इन लोगों ने एक सिस्टम लिया, 5 हो गया, अब +3 में इन लोगों ने बात करी 3-4-5 की। 3-4-5 पे क्या यार, इसमें इन लोगों ने कहा कि ये तुम्हें या तो अगर स्कूल चाहे तो वो एक अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। उसके बाद जिन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हें बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाई जाएगी। बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब है यार कुछ खेलकूद के माध्यम से ये चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे टेबल वगैरह हो गए, ठीक है, और ठीक है स्पेलिंग वगैरह हो गई, थोड़ी बहुत ये सारी चीजें सिखाएंगी। इसके बाद जो अगला टर्म है यार, इसको तो इन लोगों ने पूरा चेंज कर दिया, मतलब क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने कोडिंग को। इंजीनियर्स के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा वैसे तो, ठीक है, तो इसलिए यार मतलब पूरा का पूरा चेंज कर दिया 6th 7th 8th, ठीक है। इसमें क्या किया, पहले तो इन्होंने कहा कि अब 6th क्लास से कोडिंग इन लोग लेके आएंगे। इसके बाद ठीक है, जो पहले तुम्हारी कोडिंग स्टार्ट हो रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब तुम वो 6 से देख रहे हैं, ठीक है, बेसिक देखोगे धीरे धीरे वो अपग्रेड होती जाएंगे। इसके बाद और एक चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, क्या, स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क। स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे तुमने अब फिजिक्स पढ़ ली लेकिन तुम्हें बल्ब नहीं चेंज करना आ रहा, या फिर तुम अपने घर का ट्यूबलाइट नहीं बदल पा रहे, तो लोग कहते थे ना कि बेटा क्या फिजिक्स पढ़े तुम, क्या फिजिक्स पढ़ने का फायदा। तो देखो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट किए ताकि तुम आसानी से क्या कर सको, उनको सीख सको। तो
ये हो गया यार अपना 5 वाला देख लिया, हम लोगों ने 3 देख लिया, फिर 3 देख लिया, अब 4। 4 में यानी 9 से लेकर बात करते हैं 12 की। यार इसमें भी इन लोगों ने पूरा चेंज कर दिया है। मतलब होता क्या था बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए हम लोग 5 सब्जेक्ट लेते थे, किसी किसी के हम 6 भी चलते थे। 5 मतलब एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक मैथ्स हो गया, मैथ्स या बायो में से कोई एक ऑप्शन हो जाता था अपना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की जगह कुछ बच्चे ऑप्शनल में हिंदी ले लेते थे, म्यूजिक ले लेते थे। इसके बाद एक इंग्लिश होता था, ये मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई की, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा यार, अब तुम्हारा जो मन वो पढ़ो, मतलब तुम्हारे ऊपर है जो तुम सब्जेक्ट चूज करो। सारे सब्जेक्ट्स क्या है, साथ साथ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे कि तुम ये यही पढ़ना है, तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं है, तुम्हें जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए। इसके बाद भी यार यहाँ पर कुछ चेंजेस लिए गए हैं, जैसे कि ठीक है डांस आर्ट जो तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट होते थे, इस पर भी इन्होंने कहा है कि ये ध्यान देंगे ताकि तुम उस पर भी देख सको कोई तुम्हारे ऊपर वो नहीं है। और इसमें एक चीज और इन्होंने कही है कि अब जो रट्टा मार मार के पढ़ लेते थे और याद करके मार्क्स गेन कर लेते थे, उनके मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब किस पर ध्यान देंगे, इंटरनल असेसमेंट पर। इंटरनल असेसमेंट का यहाँ पे क्या लेना देना है, सीधा सा ये कि यार तुम्हारे जो 12th के मार्क्स होते थे वो किस पर होते थे, एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता था और एक यहाँ पर क्या होता था, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता था। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में भी इन्होंने कहा है कि ये दोनों पैटर्न लेके आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो दोनों वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद इन्होंने एक और चीज यहाँ पे कही है कि इंटरनल असिस्टमेंट पे ध्यान देंगे। इंटरनल असिस्टमेंट पे ध्यान देने का मतलब है जो तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस होती है, क्लास परफॉर्मेंस यानी ऐसी एक्टिविटीज कुछ कराएंगे, ऐसे टेस्ट कराएंगे जिस पर तुम्हारी लर्निंग बेसिस पे नहीं, तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है उसको देखकर मार्क्स तुम्हें मिले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज, जैसे कि जेईई मेंस कुछ सालों से 2 बार होने लगा है, एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है, ठीक है, मेरे टाइम पे तो 1 ही बार होता था यार, ठीक। इसके बाद तो इन्होंने कहा है बोर्ड्स भी ये कब कराएंगे, 2 बार। जैसे मान लो आज तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों का बोर्ड का पेपर है मैथ का, तुम्हारे पेट पे कुछ खराबी हो गई, ठीक है, तो दोनों में क्या यार इक्वलिटी नहीं है, तो तुम्हें क्या लगेगा यार कि मेरे दोस्त के ज्यादा मार्क्स है और उसके ज्यादा मार्क्स आ भी गए, क्यों, क्योंकि तुम पूरी तरह से काबिल नहीं थे उस पेपर को, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी होगा यार यहाँ पर पेपर देने का। ये था तुम्हारा स्कूल चैप्टर, स्कूल चैप्टर में इतनी सारी चेंजेस की गई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कॉलेज चैप्टर की, बहुत चेंजेस कर दिए यार स्कूल चैप्टर में, मतलब एकदम सिस्टम मजा डाला यार इन लोगों ने। देखो अब बात करते हैं कॉलेज सिस्टम की, कॉलेज सिस्टम में इन लोगों ने क्या किया यार, कॉलेज सिस्टम में जैसे मान लो तुमने 12th करा, 12th करने के बाद तुमने एक इंजीनियरिंग का एग्जाम निकाल लिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम निकालने के बाद तुम कहाँ पहुंच गए, कॉलेज में। तो कॉलेज में तुम क्या करते थे, एक ब्रांच ले ली, जैसे मान लो तुमने मैकेनिकल ले ली या फिर तुमने सीएस ले ली, तुम इसको लेकर 4 साल पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या कहा, मान लो तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो वो क्या करता है बीच में अपनी पढ़ाई स्किप कर देता है। यहाँ पर उन सारे बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं निकाली गई। तो किया क्या है इन लोगों ने किया, सबसे पहले कि अब तुम अपनी ब्रांच के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि मेरी ब्रांच सीएस है, तो मैं सीएस के साथ एक एडिशनल फैशन डिजाइनिंग को भी लेकर चल सकता हूं, ताकि ठीक है एक स्किल मेरी और बनी रहे। इसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे मान लो मेरा फर्स्ट ईयर में 6 मार्क्स आ गए, ठीक है, अब सेकेंड ईयर पढ़ने का मेरा मन नहीं है, मैं क्या लेना चाहता हूँ, गैप लेना चाहता हूँ कुछ फाइनेंशियल लॉस की वजह से या फिर मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मैं क्या लेना चाहता हूँ एक ईयर या 2 ईयर का गैप लेना चाहता हूँ। तो होता क्या था, हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ता था यार। तो यहाँ पर वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, होता क्या यार, तुम्हारे कुछ क्रेडिट्स बनते हैं या फिर कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं। जैसे अगर तुम 4 ईयर की डिग्री ले रहे हो तो उसमें 8 सेमेस्टर, ठीक है, तो हर एक सेमेस्टर के कुछ क्रेडिट्स होते हैं या कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं जिससे तुम्हारी डिग्री तुम्हें मिलती है, ठीक है। अगर तुम्हारे वो पासिंग मार्क्स या क्रेडिट नहीं रहेंगे तो तुम्हें तुम्हारी डिग्री नहीं मिलेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का क्रेडिट या फर्स्ट ईयर का जो पासिंग मार्क्स है, ये तुम्हारे किसमें सेव हो जाएंगे, सारे डिजी लॉकर में। तो जैसे मान लो तुमने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, अब तुम्हें सेकेंड ईयर में वापस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट वगैरह चीजें हैं तो। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अब तुम सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हो, मतलब तुमने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तुम थर्ड ईयर में जाते हो, तो तुम्हें सेकेंड ईयर में अगर तुम छोड़ते हो तो तुम्हें किसकी डिग्री मिलेगी, एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। इसके बाद इन्होंने कहा तुम थर्ड ईयर में, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं वो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, जैसे कुछ का मतलब केवल और केवल होता है कि वो एक क्राइटेरिया पूरी कर रहे होते हैं, जैसे यूपीएससी में एक फॉर्म भरने के लिए वो चाहिए होती है यार कि एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर कई सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें फुलफिल करनी पड़ती है सारी रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या दिया, तुम्हें यूपीएससी करना है करो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम 3 साल
तक पढ़ो, 3 साल के बाद तुम क्या ले लो यार, अपना चले जाओ ठीक है यूपीएससी में। तो 3 साल के बाद तुम्हें एक थर्ड ईयर डिग्री मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन है यूपीएससी में ना जाकर रिसर्च करने का, तो तुम क्या करोगे, एक 4 ईयर डिग्री लोगे। तुम 4 ईयर डिग्री में जाओगे और इसके बाद तुम क्या करोगे, 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी। यहाँ पर इन लोगों ने एमफिल खत्म कर दिया है, पीएचडी जो है वो 4 साल की कर दी है और जो तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो 2 साल का ही है यार। तो यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, जैसे पहले एमएचआरटी बोला जाता था, अब इसको बोला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इतनी सारी बात यहाँ पर यार चेंज की गई ठीक है। और जीडीपी से रिलेटेड भी 4.43% था और अब इन्होंने कहा है अब ये कितना करेंगे, 6% एटलीस्ट। तो इतनी सारी बातें चेंज की गई यार ठीक है। बात कर लेते हैं आगे की कुछ स्ट्रेटेजी पर। मतलब यार मैं अब 11th पूरा स्किप कर रहा हूँ, मतलब 11th में मेरे वीडियो आते रहेंगे, लेकिन जैसे अभी लगातार मैं 11th और 10th की वीडियो अपलोड करता, अब केवल और केवल 10th की। जैसे कुछ मुझे सजेशंस आ रहे हैं कि मैं केवल और केवल 10th पर काम करूँ, 10th पर काम करूँ। मतलब यार जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चल रही है अपनी, फिर इसके बाद टिक्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा मैं, फिजिक्स एज वेल एज चलती रहेगी, टिक्नोमेट्री मैथ भी चलता रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री के भी नोट्स प्रोवाइड होंगे। नोट्स का मतलब है मैं एक स्लाइड वीडियो टाइप का बना दूंगा जिसको आपको एक प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी और पूरा का पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। इसके बाद टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाने का सोच रहा हूँ जिस पर आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे कोई बुक हो गई या फिर कोई मटेरियल हो गया या फिर कोई शीट हो गई या NTSC की जो प्रिपरेशन के स्टडी मटेरियल होते हैं वो सब ठीक है। जैसे बहुत से वीडियोस ऐसे सजेशन की बात आई है कि जैसे कैसे जेई से टेंथ लेवल से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या कैसे टेंथ से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो अब ज्यादातर वीडियोस इस पर आएंगी ठीक है यार। जाओ मचा दो अब।